एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जानने वाले भी उनकी राजनीति को नहीं समझते हैं। इतना जरूर समझते हैं कि वे जो कहते हैं वे करते हैं, वे जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। आज शरद पवार ने अपने दिल्ली आवास में विपक्षी पार्टियों की एक अहम बैठक बुलाई है। पिछली बार की तरह इस बार तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी गैर हाजिर रहने वाली नहीं है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वो मीटिंग में शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर जो शंकाएं हैं उन्हें लेकर के चर्चा होनी है। यहाँ पर हम याद दिला दें कि ममता बनर्जी और शरद पवार की सोच का फर्क क्या है, यह फर्क होते हुए भी इस बार मेल की वजह क्या है। फिलहाल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी थी। इस संबंध में उनका महाराष्ट्र दौरा हुआ था और मुंबई आकर वे शरद पवार से मिली थी, तब एक बात पर वे तुनक गई थी। शरद पवार का मानना था कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन ममता बनर्जी और केसीआर गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी गठबंधन के लिए हामी भर चुके हैं। फिर ममता बनर्जी और शरद पवार का मेल कैसे हो रहा है? शरद पवार और ममता बनर्जी को इकट्ठा लाने में जो चीज फेविकोल का काम कर रही है वो है चुनाव आयोग की नई हरकतें। कल से चुनाव आयोग इस बात को लेकर के सक्रिय हो गया कि शरद पवार की एनसीपी, मायावती की बीएसपी, सीपीआई और ममता बनर्जी की टीएमसी जैसी पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखा जाए या नहीं। शुरुआत शरद पवार की पार्टी से हुई। कल चुनाव आयोग ने एनसीपी के प्रतिनिधि को यह जवाब देने के लिए बुलाया था कि ये बताएं कि आखिर उनकी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा क्यों बरकरार रखा जाए। नियम और शर्तों के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा कहलाने के लिए उसका चार राज्यों में चुनाव में कम से कम 6% वोटिंग परसेंटेज होना जरूरी है। साथ ही 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें होना जरूरी है, यानी कि इस लिहाज से दोनों के पास लोकसभा में 11 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। 2014 और 2019 में इन पार्टियों ने ये शर्तें पूरी नहीं की। टीएमसी के पास कुल 23 सांसद हैं, लेकिन वोट परसेंटेज बंगाल से बाहर बहुत कम है। बाकी पार्टियां बीएसपी 10, एनसीपी 4, सीपीआई की 2 सीटें तो किसी तरह से राष्ट्रीय दर्जा पाने की हकदार नहीं है। लोकसभा के लिहाज से एनसीपी का वोट परसेंटेज 0.74, बीएसपी का 1.85, टीएमसी का 4.25, सीपीआई का 0.37% है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और ठाकरे गुट के नेता और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता खुलकर ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां केंद्र सरकार और बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि शरद पवार को साफ संदेश दे रहे हैं कि आप उधर नाड़ी दबाएंगे तो हम इधर सक्रियता दिखाएंगे। कहने को तो मीटिंग की वजह यह है, पर असल बात कुछ और ही तय हुई है। पवार का वार अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर होने जा रहा है। अपवार ईवीएम के सवाल पर जोर शोर से उठाने जा रहे हैं। इस मीटिंग के वजह के तौर पर कहा यह जा रहा है कि इसे लेकर के कई शंकाएं हैं जिन्हें निरस्त करने का आश्वासन मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पवार ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसी मकसद से चंद एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफर्स के मत को जानने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। सीसीई के रिपोर्ट में कुछ अहम सवाल उठे हैं, उनका समाधान जरूरी है। शरद पवार की टीम से कहा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी ने 2022 में चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, इसके 2 हफ्ते बाद एक और पत्र भेजा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ईवीएम को लेकर के हेराफेरी की आशंका आम जनता के मन में भी उठती रही है। इस पर चुनाव आयोग गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर रहा है? इसी सवाल पर चर्चा के लिए विपक्ष एक साथ शरद पवार के घर पर मीटिंग कर रहा है। मीटिंग के बाद पवार क्या पैतरा दिखाते हैं इस बारे में ये देखना दिलचस्प होगा। इसीलिए सारी मीटिंग आयोजित की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार इस मीटिंग के बाद आखिर क्या फैसला सुनाते हैं और क्या शरद पवार की इस मीटिंग से इलेक्शन कमीशन अपना फैसला बदलता भी है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।